बारे में भाई मेरे कमेंट सेक्शन में भरा हुआ था कि भाई एंड्रू भाई हाउ ब्रांड भैया ने कितने रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं भाई। वो भाई हाउ ब्रांड भैया है और उनके फुल अलग लेवल का रश हो रहा है, और तुम्हें पता चलेगा कि क्यों भाई की केडी 30 की है एंड क्यों #1 क्लोज रेंज प्लेयर है। मतलब केडी समझ आती है, कॉन्कर समझ आता है, बट साथ में #1 क्लोज रेंज, मतलब ये बंदे ने लिटरली कॉन्कर घुस घुस के बजाया है भाई बंदों को जाते जाते, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ना छुपके छुपके कॉन्कर जाते हैं, सांप बनते बनते कॉन्कर जाते हैं, लेकिन हमारे हाउ ब्रांड भैया ऐसे नहीं है, ये घुस के मारते हैं भाई सबको। ओ मैं उठ नहीं सकता थले हो। भाई 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 LMG नेक्स्ट लेवल भाई, 6x में LMG चल रही है भाई यहाँ पर, और क्या ही देखना बचा था जिंदगी में, 6x LMG देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जो आज से पहले शायद ही मैंने देखी होगी। क्या चल रहा है भाई ये 6x में LMG कब से चलने लगे गेम में? अरे लोगों को अब M4 की जरूरत ही नहीं भाई, लोग 6x में LMG चला रहे हैं भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है शहजादे हो, फिट फाट हो, उम्मीद है आप सब ओके होंगे, रुके की रिपोर्ट में होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा चुस्म होने वाली है, जैसा कि आप लोगों ने अ लिटिल बिट रिएक्शन चख लिया है। इसी के साथ बाबा जी रसूमात अदा कर दो, वीडियो को लाइक करना है, और जो जो बंदा न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना है। वी आर रोड टू 200K, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब बातों बातों वाला 1v4 तो आप लोगों ने देख लिया होगा, अब चलते हैं मौका वारदात की तरफ। तो मैं गाड़ी लेके बाबा जी जा रहा होता हूँ कि सामने ट्रैक्टर नुमा खोता नजर आ जाता है। यहाँ पे आप लोग पहले मेरा रिएक्शन चेक करो। ओना को बड़ी तगड़ी लूट ही भाई। तो यहाँ से 2v4 की फाइट शुरू होती है, और ये फाइट बाबा जी पता नहीं कहाँ पे जाके एंड होनी है। तो यहाँ से बाबा जी आप लोग देख सकते हैं कि मैं छत के ऊपर आ जाता हूँ और एक नहीं दो दो मोलियां फेंक देता हूँ, क्योंकि एनिमी की तरफ से भी यही मूव होने वाली थी। बंदा छत पे आ चुका था कि इतनी देर में बाबा जी इवेंट के अंदर जो सेकंड खोता होता है उसकी एंट्री हो जाती है, और उस पर होती है मेरी टीम, और ये वाला खोता आते ही बाबा जी जहाँ बहक हो जाता है। आई थिंक सो इसके गोडे लिटिल बिट खाली थे। अब इस फाइट के दौरान बाबा जी एंड वाला बंदा बचा हुआ था और वो मुझे सरप्राइज दे देता है, लेकिन मैं बाबा जी खोते नु हाथ पा यहाँ पे गेट इन करने के बाद थोड़ा सा साब लगाने के बाद मैं इस बंदे पे जंप करता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट इसको नॉक कर देता है। खैर ये वाली फाइट यहीं तक थी, एंड हो जाती है। लेकिन इसके बाद बाबा जी जो अन्नी पहने वाली है ना, मतलब वेखियो किनिया ज्यादा लाशा निकल दिया इतों। खैर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली स्क्वाड डेड हो गई, सेकंड वाला खोता भी जहां बाहक हो गया, एक खोता बचा हुआ है, और इसी के साथ मेरा एक टीममेट फिनिश हो चुका है, एक टीममेट नोक हो गया है, दूसरा टीममेट मेरे टीममेट को कवर दे रहा है। तो मैं बाबा जी खोते अंदर बैठ के क्या, चलो कवर देने हैं यार अपने टीममेट को। सामने मेरे टीममेट को एनिमी मार रहा है, मैं कवर देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गिली सूट वाला बंदा मुझे नोक कर देता है। अब एक दफा आप लोग मैप में नजर मारें कि बहुत ज्यादा बंदे हो चुके हैं, और दुनिया की नजर में बाबा जी मैं मर चुका हूँ, सेल्फ रिवाइव है, बंदा बिल्कुल मेरे सामने आते, मैं दुआवां कीतियां कि एक करी मैं बच गया ना। आए हाय हाय हाय, एनिमी भी आखणगे कि यार है बंदे नू बचना नहीं सी चाहिए, पूरा बाबा जी इलाका तुहाडे भरा ने फतह करना है। एक बंदा नॉक करने के बाद मुझे फाइनली किट लगाने का मौका मिल जाता है, और मेरी बैक साइड से एक बंदा आ रहा था, तो कैलकुलेशन ओके दी रिपोर्ट च सी कि जो किट लगनी है ने नेड़े आना तो इन्हें मैं मार देना। मैं मारने के लिए नीचे आता हूँ, लेकिन ये बंदा बाबा जी खोता लेके फरार हो जाता है। मतलब जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, काम खराब हो रहा है। इतनी देर में सामने जो बंदा नॉक था उसको फिनिश किया, फिर मेरी एमओ खत्म हो गई थी, मैंने बाबा जी डांग उठा ली। अब यहाँ पे डांग रीलोड करने के बाद स्मोक वगैरह करता हूँ, क्योंकि राइट साइड पे अलहदा स्क्वाड आ चुकी थी मेरी, राइट वाली जो बिल्डिंग्स हैं, स्मोक वगैरह करके मैं लिटिल बिट पैनिक सिचुएशन बना रहा था कि यब में पड़े, क्योंकि बंदे और भी थे, आपस में भी इनकी फाइट हो रही थी। यहाँ पे मुझे नेड का डैमेज आ जाता है, मैं जरा हिसाब लगा ही रहा था कि अगला नेड कितने आना है, ए तुहाडा भरा गया थले, उत्थे ही आया जिथे मैं बैठा हाँ।
लेकिन इस वाले बंदे का हिसाब किताब वहीं पे था जहां से मैं निकल के आया था। खैर वहां पे प्री फायर देता है। अब बाबा जी एंड वाला बंदा बचा इस टीम का और तीन बंदों के साथ मेरी प्रॉपर फाइट हुई है। हर बारी मैं किट लानी पई है। तो बाबा जी उतले लैवल की गेम है, उतले लैवल की लाबी है, यू नो हर बंदा तरीके ना खेल रहा है। ठीक है, अब इस बाबा जी फाइट के दौरान आप लोग देख सकते हैं कि आपके भाई ने तीन मुख्तलिफ किस्म के ग्रेनेड कराए हैं। फिर यहाँ पे मैं प्री फायर देता हूँ, इसको एक अदद हेड लग जाता है और इसको जब हेड लगता है तो आपने देखना है बिल्डिंग में ग्रेनेड लहदा से आ रहे हैं। उन्होंने मेरा कोई हाथ नहीं और यहाँ पे इस बंदे को ऑलमोस्ट खींचू पार चुके हैड मैं मार छड़िया लो वे तो दो अदद मैं मोलियां सुटियां तो यह बंदा गया। तो एक स्कॉड फाइनली खत्म हो जाती है। अब पीछे बाबा जी एक और टीम बचती है जिसके सिर्फ दो बंदे थे, इनके साथ वन वर्सिस टू वाली फाइट है। तो मैं बाबा जी तुम्हें पता है फिर इलाका फतह करना ही पूरा, तो मैं बहुत चौकस होकर खेल रहा था, ग्रेनेड वगैरह ट्राई करता हूँ। फाइनली ये बंदे रश करते हैं और एट लास्ट वन वर्सिस टू करके ओके की रिपोर्ट में बहुत ही रोमांचक और इंटेंस किस्म की फाइट हम विन कर जाते हैं। इस पर मजीद ये कि छत पे बंदा छाती मारता है, एमके के साथ चलते फिरते इसको मैं नॉक कर देता हूँ। और इसी के साथ मैं बताता चलूँ कि मुझे चैलेंज मिला हुआ था कि मैंने 15 किल्स करने, तो मेरे वास्ते कोई मुश्किल काम तो नहीं सी, लेकिन जब मुकद्दर हो यांडू तो क्या करेगा हाउ ब्रांडू। सब मिल के आओ बुजलो, शेर का सामना करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टाइगर हूँ मैं, टाइगर। अब खुद कोई दो चार पंप करा के बाबा जी मैं बंदों के बीच चला जाता हूँ। तो बंदियां का भार कोई नहीं है, साला खोता औखा ही है लिटिल बिट। चल ना ना ना, तू अपने हां दे ना लड़। हां ना 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 मरियो। मैं बच्चा हूं। पहले क्या बोला? टाइगर हूं मैं, टाइगर। मैं जान दे ना 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 साले अपने जिड़िया ना लड़। हां थैंक यू यार गल मन ली, ले चल ही सही गल, इन्हें एक चंड मारनी मैं मर जाना। चल इत मेन को कैंपर लड़ गया तो फिर गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। लड़ना तो नहीं चाहिए। हवा निकल गई। देखो जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ है, मानते हो कि नहीं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाकी शहजादे बचे कुछ टाइम में रिएक्शन देख लो और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। भाई पे ना एचपी और जोर इधर बुरी तरह से काट रहा है कि भाई ने हाई आईक्यू लगाया, उसे पता है भी लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं, हेल्थ मारना इंपॉर्टेंट नहीं, तो जोन की बारी फिनिश हो जाएंगे। राइट साइड से क्लोजिंग करा है हाउ ब्रांड भैया ने। भाई मैं बता रहा हूँ ये फाइट अगर हाउ ब्रांड जीत गया ना मजा आ जाए, क्योंकि ये फाइट जीतनी इम्पॉसिबल है भाई। देखा थोड़ा सा तो रश हो रहा है राइट साइड से, बढ़िया नेड़ अंदर फेंका, एक फ्री फायर मारा इनके का, जलते जलते भाई मार रहा है भाई। भाई की जिंदगी में आग लगी हुई है, सीने में आग लगी हुई है, तब भी बंदों को पेल रहा है। एक और बंदा है राइट साइड से भागता हुआ भाई, 1v2 जो कर रहा है पता नहीं भाई। हाउ ब्रांड भैया भी क्लोज रेंज में हरा नहीं सकते भाई, तुमसे क्लोज रेंज में खा जाएगा भाई। #1 क्लोज रेंज जाना मजाक बात नहीं भाई, झूठी कह रहा मैं। लाइक तुम्हारा क्लोज रेंज नेक्स्ट लेवल होना पड़ेगा अगर तुम्हें ऐसे मारना है भाई। आसमान से ये क्या आ रहा है? अच्छा दो भाई, भाई इनके साथ तो जो स्कैम कर रहा है ये तो हाउ विलेन है, हाउ की लाइनअप कोई मार रहे होगे भाई अपने टीममेट्स को। आई डोंट नो भाई, फेक हो सकते जहां तक लग रहा है, आई डोंट नो। बढ़िया नेड पुल कर रहा है, पाप नेड होगा अगर बंदा फट गया भाई साहब। ये तो हाउ की लाइनअप कोई मार रहे हैं हाउ ब्रांड भैया, क्या चल रहा है ये? ओके
अपने ही टीममेट से बदला लिया जा रहा है शायद से यहाँ पर, आई हैव नो आईडिया भाई। ये कैसे फोड़ दिया? एक नेड फेंका नीचे भाई ने, स्कारल ने भाई के पास एंगल बनाया, फोड़ा उस बंदे को। अरे अरे डांसिंग ग्रेनेड कहाँ से आ रहा है भाई? एक नॉक नेड आ रही इधर, ब्रांड नेड। देखो अगर एनिमी हनी बैजर से मर रहा हो ना भाई, फिर मतलब नेक्स्ट लेवल बेइज्जती भाई तुम्हारी। मतलब हनी बैजर जैसी रद्दी दो केड़े की गन से नहीं मर देगा भाई। ये देखो भाई, ये एनिमी कैसे मर गया भाई। और ये आदि सर्वर का नाम हाउस से क्यों स्टार्ट है? आई गेस सब लोग हाउ ब्रांड को कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर इनकी लाइनअप भी खेल रही है, पूरी क्लैन एक साथ खेल रहा है। आई हैव नो आईडिया भाई, सभी का नाम हाउस से चालू हो रखा है भाई इस लॉबी में। और बंदा आया सामने वन वन लेने के लिए भाई। छी भाई, टॉमी लेकर के आया और हनी बैजर से मर गया भाई। एक बंदे को नॉक करा, दूसरा फिनिश करा उसे, दूसरा प्लेयर सामने से भाग कर क्लोजिंग कर रहा है। फ्री फायर मारा, एकम का डैमेज बढ़ा हुआ है, को थोड़ा सा एंगल बनाने की कोशिश कर, लेफ्ट साइड राइट साइड से आए हो भाई। ये बहुत गलत मार दिया हाउ ब्रांड ने। हमारे हाउ ब्रांड भाई ऑफकोर्स आईपैड प्लेयर, उनका तो कंट्रोल से थोड़े से अलग कंट्रोल से, नॉर्मल कंट्रोल्स नहीं है ये भाई का, थोड़ा सा अलग से ही सेटअप है। यूजुअली ऐसे सेटअप तो मैं देखने को मिलते बहुत कम है। ये कि यहाँ पे जो 1v4 होने वाला है ना, वो तकरीबन बाबा जी इम्पॉसिबल था, क्योंकि आपका भाई बहुत ज्यादा फंस चुका था। और वो जो एक मूव आपके भाई ने किया ना, मैं कहना तुसा वेख के परेशान हो जाना कि ने की कीता है। ओके ओ, इनके टीममेट को फिनिश कर दिया। दो बंदे आए, एक बंदे राइट वाले को नॉक करा है, फिनिश हो गया है तो ओके। पता नहीं फिनिश हुआ क्या हुआ ये, आई गेस एलेक्स। ओ नो भाई, ओ खैर यहाँ पे मैं जीरो हूँ डांसिंग नेड में। ये क्या है भाई, ये जिंदा कैसे? एनिमी ने मारा क्यों नहीं इसे? अरे भाई एनिमी मर गया, ये क्या चल रहा है? अरे भाई कैसे मर रहे हो तुम भाई? एनिमी जीती जीता ही फाइट हार गए भाई, झूठ भी नहीं कह रहा हूं मैं। अब शॉटगन के अगेंस्ट रश कर रहे भाई, और क्या चाहिए, शॉटगन के अगेंस्ट घुसने का और लॉबी पहुंच जाने का। वेरी नाइस मेरे लॉन्डोस। हाउ ब्रांड भाई मस्त टीपी भी ले रहे बंदों को दे रहे भाई, एनिमी कारी का वेट कर रहे। अगला बंदा है राइट साइड में, दो बंदे भाई, एक और को दिया भाई, क्या मार रहा है भाई हाउ ब्रांड। अरे भाई साहब क्या पेलम पाली चल रही है ये। गाड़ी आई, स्प्रे मारना चालू करा है, कितने बंदे उतार दिए भाई ने, दो उतारे क्या? हाँ दो प्लेयर उतार दिए, तीसरे वाले को उड़ा ही दिया भाई। आखिरी का है, आखिरी किधर है? तीनों को तो उड़ा दिए, चौथा आया नहीं आया है। एक बंदा नॉक, नीचे एक नेड फेंका हुआ लेफ्ट में, सामने से अगेंस्ट टीपी भी आ रहा है, एक और नॉक, तू सबने पीक लेके बस का पिकाचू बना दिया पीक लेने वाले। अब हम यहां पे हाउ ब्रांड भैया की जिंदगी में पहली बार रैंकिंग देख लो, #1 क्लोज एनकाउंटर हमने उठा लिया भाई 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 भाई। एआरबी बहुत पीछे लग गया है साडे, 15-20 कंपटीशन ही नहीं भाई, मतलब तीसरा बंदा कितना नीचे है।